Hello Bachum, let's see this question. The question says, a loop of irregular shape of conducting wire PQRS as shown in figure placed in uniform magnetic field perpendicular to the plane of the paper changes into circular shape. The direction of इंड्यूस्ड करेंट विल भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नो करेंट और नन ऑफ दी दीज की कंसेप्ट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड करेंट इस क्वेश्चन में हमें एक लूप दिया है इनरेगुलर शेप का क्यू आर एस और इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखा गया है और इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस लूप के ऊपर एक फोर्स लग रहा है रेडियल डायरेक्शन में जिससे कि इसका शेप चेंज हो रहा है सर्कुलर शेप में तो हमें बताना है कि जो इंड्यूस करंट फ्लो करेगी इस लूप में उसकी डायरेक्शन क्या होगी क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी या कोई करंट नहीं फ्लो करेगा जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई कंडक्टिंग करंट कंडक्टिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो लूप है इसका शेप चेंज हो रहा है सर्कुलर शेप में मीन्स इसका एरिया इंक्रीज कर रहा है अब एरिया इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली फ्लक्स लिंक्ड होगी इस लूप से वो इंक्रीज करेगी एंड ड्यू टू चेंज इन द फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का फिनमिन टेक प्लेस करेगा और ड्यू टू दिस इंड्यूस करेंट फ्लो करेगा फाइव इक्वल टू बी एंड ईज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी Now, जो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है वो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये इनवर्ट डायरेक्शन में है लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करेंट अपोज करेगी उस कॉज का जिस कॉज से ये प्रोड्यूस हुई है मींस एरिया के इंक्रीज होने से प्रोड्यूस हुई है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में है तो ये जो करंट होगी ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा और ये तभी पॉसिबल है जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ये नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा जिससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर टू एंटी क्लॉकवाइज Hope you will understand it well. Best of luck.